तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय अभिनेत्री और साउथ की फिल्मों की सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के बारे में। रश्मिका मंदाना देश की उन अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अदाओं से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। देश दुनिया में रश्मिका मंदाना के करोड़ों चाहने वाले हैं। खास बात यह है कि रश्मिका मंदाना भले ही साउथ की फिल्मों में काम करती हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। रश्मिका मंदाना के प्रति उनके फैंस की दीवानगी ऐसी है कि वह रश्मिका मंदाना को नेशनल क्रश कहते हैं। और दोस्तों रश्मिका मंदाना बहुत ही कम समय में टॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब एंट्री लेने वाली अभिनेत्री बनी है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं रश्मिका मंदाना कौन है, रश्मिका मंदाना के करियर और उनके जीवन से जुड़ी और बातों के बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आप सब लोगों को मिलती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप लोगों को बताते हैं रश्मिका मंदाना के बारे में। और दोस्तों रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के कोडागु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। रश्मिका मंदाना के परिवार की बात करें तो आपको बता दें कि रश्मिका मंदाना के पिता का नाम मदर मंदाना है जबकि रश्मिका मंदाना की माता का नाम सुमन मंदाना है। रश्मिका मंदाना की उम्र अभी महज 25 साल है। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि रश्मिका मंदाना ने अपनी स्कूली शिक्षा कुर्ग पब्लिक स्कूल से पूरी की है। इसके बाद रश्मिका मंदाना ने रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में दाखिला लिया। रश्मिका मंदाना ने पत्रकारिता, अंग्रेजी और मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की है। और दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ रश्मिका मंदाना को बचपन से ही फिल्मों का काफी शौक रहा है। वह टीवी पर फिल्मी सितारों को अभिनय करते हुए देखती थी। अभिनय की दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए रश्मिका मंदाना ने साल 2012 में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और साल 2014 में रश्मिका मंदाना ने क्लीन एंड क्लियर टाइम फ्रेश फेस ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इसी के बाद रश्मिका मंदाना को क्लीन एंड क्लियर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया। और दोस्तों रश्मिका मंदाना को मॉडलिंग की दुनिया में काफी शोहरत मिली, यही कारण है कि फिल्म निर्माताओं की नजर रश्मिका मंदाना पर पड़ी। इसका फायदा उन्हें जल्द ही मिला और साल 2016 में रश्मिका मंदाना को महज 19 साल की उम्र में साउथ की फिल्म क्रिक पार्टी ऑफर हुई और फिल्म में रश्मिका मंदाना ने मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया था। रश्मिका मंदाना की पहली फिल्म लोगों को खूब पसंद आई और इस फिल्म ने 50 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। यह फिल्म उस समय साउथ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी क्योंकि इस फिल्म की लागत महज 4 करोड़ थी। फिल्म में रश्मिका मंदाना के अभिनय को लोगों ने खूब पसंद किया। रश्मिका मंदाना के लिए साल 2018 शानदार रहा। इस साल उनकी फिल्म गीता गोविंदम रिलीज हुई। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना के अबोचिड हीरो विजय देवरकोंडा ने काम किया। महज 5 करोड़ रुपए की लागत में बनी इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। इस फिल्म ने 130 करोड़ की कमाई की। कई सिनेमाघरों में तो यह फिल्म 100 दिनों तक चली। इस फिल्म से रश्मिका मंदाना की लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई। रश्मिका मंदाना ने इसके बाद कई फिल्मों में काम किया और आज भी उनके फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। और दोस्तों रश्मिका मंदाना साउथ के साथ ही बॉलीवुड में भी पसंद की जाती हैं। यही वजह है कि वे अब बॉलीवुड फिल्म का भी हिस्सा बनने जा रही हैं। वे सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म मिशन मजनू का हिस्सा बनेंगी, साथ ही कई और फिल्मों में भी नजर आएंगी। और दोस्तों रश्मिका मंदाना को घूमने फिरने का बहुत शौक है। उनकी पसंदीदा जगह लंदन है। तो दोस्तों रश्मिका मंदाना के जीवन से जुड़ा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।